आचार संहिता लगने के बाद पूरा प्रशासन सख्ती के साथ प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसी दौरान आरपीएफ ने कटनी में एक युवक को सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया है। मूल रूप से आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आचार संहिता लगने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस हर एक गतिविधि पर पैनी निगाह बनाए हुए है। आने जाने वाले वाहनों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान कटनी में आरपीएफ ने एक युवक को 274 ग्राम सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया है। सोने के बिस्कुट की कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। आरोपी युवक मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है। पुलिस ने सोने के बिस्कुट को जब्त कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी युवक का कहना है कि वो सोने का व्यवसाय करता है, तस्करी नहीं। वहीं पुलिस का कहना है कि इनकम टैक्स मामले की जांच करेगा। ये हावड़ा से कटनी साउथ तक की टिकट थी। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था एक आलमगिरी करके निवासी कोलकाता का है, 53 इयर्स का। कटनी साउथ में जब उतरा है तो उस समय सघन चेकिंग चल रही थी, क्योंकि विधानसभा का जो आगामी इलेक्शन होने वाला है उसके मद्देनज़र मादक पदार्थ, शराब वगैरह, करेंसी, सोना चांदी आदि का जो अवैध परिवहन होने की संभावना है उसके विरुद्ध में सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से 274 ग्राम के लगभग सोना बिस्किट के रूप में टूटे हुए टुकड़ों में मिला है। कीमत लगभग उसकी 16 लाख बताई गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।